अच्छा हम लोग ये पढ़ चुके हैं पिछले अपने लेक्चर्स में कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। मैंने आपको ये बताया कि पब्लिक फाइनेंस जो है उसे हम हिंदी में राजस्व भी कहते हैं, और पब्लिक फाइनेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है पब्लिक और दूसरा है फाइनेंस। मैंने आपको ये भी बात बताई है कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो बेसिकली स्टडी करता है कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को खर्च करती है। तो सबसे पहले जब भी गवर्नमेंट खर्च करती है, तो जब मैंने आपको स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस पढ़ाया था तो ये मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर का अनुमान लगाती है, और जब उसे एक्सपेंडिचर के बारे में पता चल जाता है तो उसके बाद जो है वो अपनी इनकम के बारे में सोचती है कि वो इनकम को कहाँ कहाँ से यूज करेगी। पब्लिक फाइनेंस इस केस में प्राइवेट फाइनेंस से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि प्राइवेट में हम सबसे पहले जो है अपनी इनकम को देखते हैं और उसके बाद जो है हम अपने खर्चे के बारे में सोचते हैं। लेकिन पब्लिक फाइनेंस में क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा करती है और ये हर गवर्नमेंट के खर्चे को देखता है, तो इसके जो तीन पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, इसमें सबसे पहले हम पब्लिक एक्सपेंडिचर का अध्ययन करते हैं, फिर हम पब्लिक रेवेन्यू का अध्ययन करते हैं, और अगर गवर्नमेंट के खर्चे जो है वो उसके करंट टैक्सेस से पूरे नहीं हो पाते, मान लीजिए किसी वजह से कोई ज्यादा खर्चा आ गया है, या डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलप होना चाहते हैं। कल भी आपको बताया था कि आज का जमाना जो है वो इस तरीके का है कि अगर कोई कंट्री डेवलप होना चाहता है तो वो जानबूझकर अपने बजट में घाटा दिखाता है, ताकि जब वो जो है उस घाटे को वो जो है वो घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा पूरा करता है और उसके द्वारा अपना डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है। हम जो है इसके स्कोप के बारे में पढ़ चुके हैं, नेचर के बारे में भी मैं पब्लिक फाइनेंस के आपको पढ़ा चुकी हूँ कि पब्लिक फाइनेंस का नेचर साइंस और आर्ट दोनों है, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस जो है वो सिस्टमैटिक नॉलेज है, सिस्टमैटिक नॉलेज है एक सब्जेक्ट की, जो कि वन बाय वन हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली इसमें अध्ययन करते हैं कि पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, फिर पब्लिक रेवेन्यू पढ़ेंगे, फिर पब्लिक डेट पढ़ेंगे, फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, फिर हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे। तो हम सिस्टमैटिक अध्ययन करते हैं, इसलिए पब्लिक फाइनेंस एक साइंटिफिक स्टडी है, सिस्टमैटिक स्टडी है। दूसरी बात, इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं बिल्कुल साइंस की तरह। जिस तरह साइंस में हम किसी कॉज का कोई ना कोई इफेक्ट अवश्य पड़ता है, इसी तरह अगर हम आज जो टैक्सेस लगाते हैं उनका भविष्य में लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को भी हम देखते हैं। उस सेंस में भी जो है पब्लिक फाइनेंस एक साइंस के रूप में काम करता है। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि पब्लिक फाइनेंस साइंस की जो दोनों शाखाएं हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, यानी कि वास्तविक विज्ञान जो होता है और आदर्शात्मक विज्ञान जो होता है, उनकी दोनों ही कैटेगरी के ऊपर ये खड़ा उतरता है। और इसमें जो है दोनों ही कैटेगरी में ये आता है, जिस समय हम ये कहते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पर करना चाहिए, तो ये पॉजिटिव साइंस के रूप में। लेकिन जिस समय हम इस बात की बात करते हैं कि गवर्नमेंट किस जगह पर पब्लिक एक्सपेंडिचर करे जिससे कि उसे मैक्सिमम बेनिफिट हो या लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो, तो उस समय जो है हम ये मानते हैं कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो आदर्शात्मक निर्धारित करने का है। जिस समय वित्त मंत्री ये देखता है कि वो किस तरह के टैक्सेस लगाए, जिन टैक्सेस को लगाने से लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है, तो पब्लिक फाइनेंस जो है वो आदर्शात्मक निर्धारण करने का है। इसी तरह मैंने आपको कल ये भी बताया था कि पब्लिक फाइनेंस एक आर्ट भी है। आर्ट किसी भी काम को करने का सबसे बेहतर तरीका होता है। इस मायने में जब भी कोई गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाती है या जब भी गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर करती है, तो सबसे पहले वो ये देखती है कि टैक्स इस तरीके से लगाया जाए कि वो लोगों को एक तो बोझ मालूम ना हो, और दूसरा गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम कलेक्शन भी हो जाए और गवर्नमेंट जो है उसे खर्चा भी उसके हिसाब से कर सके। तो टैक्स के बारे में भी हम देखते हैं कि ये है, तो यहाँ पर जो है ये आर्ट का काम करता है और आर्ट के वे में काम करता है। अब इस टॉपिक का एक अकेला पार्ट हमारा रह गया था, एंड दैट वाज कि पब्लिक फाइनेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, और आज के जमाने में पब्लिक फाइनेंस की इम्पोर्टेंस दिन ब दिन इंक्रीज क्यों होती जा रही है। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पब्लिक फाइनेंस कोई बहुत पुराना पेपर नहीं है, लास्ट 80 to 85 years से ही ये इमर्ज हुआ है। और वर्ल्ड में जो तीन बड़ी घटनाएं हुई, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसने कि कंट्रीज का एक्सपेंडिचर इतना बढ़ा दिया कि मैक्सिमम कंट्रीज डेट की स्थिति में आ गई थी, वो अपने एक्सपेंडिचर को कैसे पूरा करें और युद्ध के कारण जो उनका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था उसको मिटिगेट कैसे करें और अपने डेट बर्डन से कैसे उभरे, कि उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। इसके बाद जो सेकेंड घटना वर्ल्ड में हुई, डिप्रेशन ऑफ 1930, जिसने कि सारे वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले लिया
और जिसका सलूशन लेकर के कीन्स आए थे, और कीन्स ने तब ये बताया था कि अब तक जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की लेजर स्फीयर पॉलिसीज चली आ रही हैं कि जो है गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो पॉलिसीज गलत है, और गवर्नमेंट को फौरन अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था स्टेबलाइज रहे। इसके बाद जो थर्ड बड़ी घटना सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के कारण से मैक्सिमम अर्थव्यवस्थाएं जो थी वहां पे अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई, चीजों के रेट बढ़ते चले जा रहे थे। इन सब पे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसने क्लासिकल इकोनॉमिक्स के लेजर स्फीयर की पॉलिसी का परित्याग कर दिया गया और नया पॉलिसी आया। आज के जमाने में मैक्सिमम कंट्रीज में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहां पर की जो है वो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि जो है सरकार के रूप में काम करते हैं। आज का स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है जो कि लोगों के साथ उनकी मुसीबत में खड़ा होता है। आपने अभी देखा कि इस समय कोरोना पैंडेमिक चल रही है, कोरोना पैंडेमिक चलने की वजह से सरकार के कामों में जो है वो बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। ऐसे में जैसे जैसे सरकार के काम बढ़ते चले जा रहे हैं, पब्लिक फाइनेंस का रोल भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप पुराने जमाने की बात देखें, जबकि सिंपल एक राजा हुआ करते थे तो उनका काम केवल तीन हुआ करते, पहला था इंटरनल सिक्योरिटी, दूसरा था उनका काम वो था कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी, और तीसरा था सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन करना। लेकिन आज के जमाने में ऐसे नहीं है, आज के जमाने में गवर्नमेंट के काम जो है वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज जो है वो बहुत इंक्रीज होती चली जा रही है। तो ऐसे केस में जब इनकी एक्टिविटीज इतनी इंक्रीज होती चली जा रही है तो डेफिनेटली जो है पब्लिक फाइनेंस का जो रोल है वो दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, और पब्लिक फाइनेंस दिन पर दिन एक पॉपुलर पेपर के रूप में सामने आ रहा है। सेकेंड चीज जो आती है वो ये आती है कि गवर्नमेंट के जो काम है वो ना केवल दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट के रूप में भी जो है वो अपने ऊपर काम लेती चली जा रही है। आज हम गवर्नमेंट से हर एक काम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए जो है वो एजुकेशन भी हमें फ्री प्रोवाइड कर दे, हम ये भी चाहते हैं कि हमें हेल्थ भी फ्री मिल जाए, हेल्थ फैसिलिटीज भी सारी फ्री मिल जाए, हम ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करे। तो सारे काम जहाँ हम आज गवर्नमेंट पर डालते चले जा रहे हैं, नेचुरली है कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज जो है वो बढ़ती चली जा रही है। चूंकि गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज बढ़ती चली जा रही है उसके इसलिए एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं तो दिन पे दिन जो है नेचुरली है कि आपके टैक्सेशन रेट्स भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं। बेसिकली जो पब्लिक फाइनेंस है उसमें ये माना जाता है कि गवर्नमेंट के दो ही काम है कि अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट करना। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी जब लेक्चर लिया था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा बिजनेस साइकिल आते रहते हैं, अर्थव्यवस्था कभी भी एक स्टेबल पोजीशन के ऊपर नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा स्मूथ चलते रहेंगे। इस समय आप देख रहे हैं कि कोरोना पैंडेमिक आया हुआ है, कोरोना पैंडेमिक आने की वजह से सरकार के खर्चों में एकदम से इंक्रीमेंट हो गया है और अर्थव्यवस्था में लगभग डिप्रेशन आया हुआ है, क्योंकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्टैंड स्टिल की स्टेज पर है। आपको मालूम है कि 51 दिन का बड़ा लॉकडाउन जो है वो हमारे देश में हुआ पिछले दिनों, और 51 दिनों के बड़े लॉकडाउन में जो डिप्रेशन था वो बहुत बड़े मात्रा में हमारे सामने आया। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पुनः रिवाइव करना और अर्थव्यवस्था को ये करना ये बहुत बड़ा काम जो है वो गवर्नमेंट का बनता है, तो इससे उबारना ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम है। इसी तरह अर्थव्यवस्था में अगर इन्फ्लेशन आ जाती है, पिछले दिनों इन्फ्लेशन आई हुई थी, कभी प्याज के रेट बढ़ जाते हैं, कभी किसी और चीज के रेट बढ़ जाते हैं, तो इन्फ्लेशन अगर एक लिमिट से बाहर होती है तो उस तरीके से उसे इन्फ्लेशन को किस तरीके से किया जाए और इन्फ्लेशन को किस तरीके से रोका जा सकता है, ये काम करना भी गवर्नमेंट का काम आजकल माना जाता है। इसलिए भी पब्लिक फाइनेंस की इम्पोर्टेंस जो है वो दिन पे दिन बढ़ रही है। इसके अलावा जो है पब्लिक फाइनेंस की इम्पोर्टेंस बढ़ने के और बहुत सारे कारण हैं कि आजकल हर देश जो है वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता है। हम जल्दी से जल्दी डेवलप हो जाना चाहते हैं। आज के देश में हर कंट्री चाहता है कि यूएसए कनाडा जैसा डेवलपमेंट वहां पर हो, और इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने के लिए उसे पैसा चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि न केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ हमारी रेलवे, रोड, मेट्रो, बड़े बड़े सिटीज, स्मार्ट सिटीज आते हैं, वहीं हमारे सोशल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन और हेल्थ आता है, जिससे कि ह्यूमन कैपिटल का निर्माण होता है।
इसको बनाने के लिए आपका बहुत पैसा और ये पैसा आएगा कहां से, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा जिस पैसों की जरूरत होती है वो भी हमें पब्लिक फाइनेंस के माध्यम से ही मिलते हैं। इसलिए जो है पब्लिक फाइनेंस की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा एक और चीज, जिस समय हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से बात है कि कहीं पर डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है, कहीं पर डेवलपमेंट कम हो जाता है, ये लोगों की पेस पर डिपेंड करता है, ये पॉलिटिकल विल पावर पर डिपेंड करता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। पता चलता है कि कोई प्रदेश बहुत आगे निकल गया और कोई प्रदेश उस दौड़ के अंदर बहुत पीछे रह गया। ऐसे केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इवन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, यानी कि उनको सभी क्षेत्रों में समान रूप से कैसे दिया जाए जिससे कि सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो सके, ये और काम गवर्नमेंट का होता है जिसकी वजह से पब्लिक फाइनेंस की इम्पोर्टेंस जो है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिस समय मैंने अभी बोला कि डेवलपमेंट होता है उस समय एक और प्रॉब्लम होती है कि समाज में इनइक्वालिटी आनी शुरू हो जाती है। अभी आपने देखा कि 1991 में जब हमने एलपीजी के रिफॉर्म किए तब समाज में एक अनइक्वालिटी आनी शुरू हो गई और जो है गरीब आदमी और गरीब होता चला जाता है और अमीर आदमी और अमीर होता चला जाता है। तो समाज में इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए भी गवर्नमेंट को एफर्ट करने पड़ते हैं और वहाँ पब्लिक फाइनेंस की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। इस इकोनॉमिक इक्वालिटी को इनइक्वालिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो गरीब लोगों के ऊपर टैक्स फ्री कर देती है, गरीब लोगों के ऊपर एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है जबकि अमीरों से वो टैक्स लेती है क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी है, और इस पैसे को लेकर के वो गरीब इलाकों में और गरीब लोगों के ऊपर खर्च करती है जिससे कि एक मिनिमम जो है इक्वल बैलेंस हम बना सकें और समाज में इनइक्वालिटी को जो है वो कम किया जा सके। इसलिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम, पहले जमाने में समाज में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं थी क्योंकि साधन बहुत सीमित थे, लोगों के लिमिटेड फॉर्म्स थी, लेकिन आज के जमाने में जहाँ साधन इतने ज्यादा हैं और साधनों को जमा करने की होड़ लगी हुई है तो समाज में ये इकोनॉमिक इक्वलिटीज बहुत बढ़ जाती है। ऐसे केस में इकोनॉमिक इक्वलिटीज को कम करना ये पब्लिक फाइनेंस का एक अलग काम है जिसकी वजह से जो है पब्लिक फाइनेंस की इम्पोर्टेंस दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। और मैंने जो आपको इसके तीन इंस्ट्रूमेंट बताए हैं वो इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इसके अलावा बैलेंस डेवलपमेंट, समाज का देश का संतुलित विकास होना चाहिए, देश के हर कोने का संतुलित विकास होना चाहिए। विकास की दौड़ में ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र गुजरात बहुत आगे निकल जाए और पता चला बिहार और यूपी बहुत पीछे रह जाए। तो इस बैलेंस डेवलपमेंट को आप कैसे करेंगे, ये काम करना भी आजकल सरकार का काम है और सरकार पब्लिक फाइनेंस के थ्रू ये काम करती है। मैंने कल भी आपको बताया था कि सरकार के हाथ में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है बजट, बजट के थ्रू जिसके थ्रू की वो ये जो है रिसोर्सेज का एलोकेशन करती है और रिसोर्सेज का एलोकेशन करके वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन करती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जब वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन करती है रिसोर्सेज का तो डेफिनेट सी बात है कि इसके थ्रू वो समाज में बैलेंस डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है वो है आपका जो है बजट जिसके थ्रू वो ये काम करती है और पब्लिक फाइनेंस इसके लिए उसे तरीके बताते हैं। मैंने आपको जो तीन इंस्ट्रूमेंट पब्लिक फाइनेंस के बताए हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट, वो तीनों ही इसमें एक मेजर रोल अदा करते हैं और मेजर रोल अदा करने की वजह से जो है ये काम वो आराम से करते हैं। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने समाज में ये इनइक्वालिटी लेकर के इनइक्वालिटी को खत्म करें और इक्वलिटी को लेकर, इसलिए दिन पे दिन इसकी उपयोगिता बढ़ती चली जा रही है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि पब्लिक फाइनेंस अब एक पब्लिक इकोनॉमिक्स का रूप लेता जा रहा है। क्या फर्क है पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक इकोनॉमिक्स में, पब्लिक फाइनेंस जहाँ केवल फाइनेंसिस को डील करता है यानी कि गवर्नमेंट के इनकम एक्सपेंडिचर पब्लिक डेट इन तीनों चीजों को डील करता है, वही पब्लिक इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरीके से अप्लाइड इकोनॉमिक वेलफेयर है। मैंने अभी आपको बताया कि जितना जितना वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आता जा रहा है और सारे कंट्री जो है वो वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, वहां पर पब्लिक फाइनेंस जो है पब्लिक इकोनॉमिक्स का रूप लेता चला जा रहा है और इसके थ्रू देश का विकास हो रहा है। ये है कि आपके लिए पब्लिक फाइनेंस की इम्पोर्टेंस क्या है।